तो एठी संस्कृत रे उपशास्त्री शास्त्री एवं आचार्य पढ़िबा समय रे अनेक अनुभूति अनेक अभुला कथा को मु साउंटी भगवान को दयारु से महाप्रभु निजे आज मत टाणी आनी आपण को नाम कौन जय जगन्नाथ वैष्णव चरण दास बुगुड़ा गंजाम रु आसी आपण जगन्नाथ को दर्शन करिवो को आसीले आज्ञा वर्तमान देखुची आपण बहुत खुशी आनंद लागुचन निश्चित हरे से तो स्वयं सृष्टिर पालनकर्ता पुणी निजे समस्त सृष्टि को तांकर हस्तरे परिचालित करुचंती जाहांकर दर्शन रे नेत्र एमिति पुलकित हो जाए कौन कहिबि से भावर भाषा मु निजे भी से कथा प्रकाश करि पारुनी भाषा रे एते आनंदित अछि मु निजे आजि एते पुलकित एते आनंदित ए जो आकर्षण काहीं केमती होछि महाप्रभु तो निजे ही आनंद से तो अनिबंधर बांधव अचिंत्य अव्यक्त परमाकाश भगवान तांकर दर्शन रे जे केहि भी व्यक्ति जेते दुख जेते शोक जेते जर्जरित हो से आस्ताउना काहीं महाप्रभुंकर दर्शन ए क्षेत्र ए पवित्र माटी रे जेते बले तार पाद थापी दिए सेते बले तार आखिरु आपे आपे अश्रु निर्गत हो जाए एवं से मनरे एक आनंदर अश्रु मनुष्यर आनंदर अश्रु आपे आपे झरी जाए ता आखिरु आपण सेमती केबे अनुभव करिछन निश्चित भाव रे मु एठी श्रीक्षेत्र रे महाप्रभु को दयारु सात वर्ष काल कटेछि तो एठी संस्कृत रे उपशास्त्री शास्त्री एवं आचार्य पढ़िबा समय रे अनेक अनुभूति अनेक अभुला कथा को मु साउंटी भगवान को दयारु से महाप्रभु निजे आज मत टाणी आनी अचानक भाव रे गंजाम रु पुरी ए जो गस्त महाप्रभु को पाई मो हृदय मु किछ भाषा रे व्यक्त करि पारु नाही जो आनंद मत आज अनुभव होउछि एठी अनेक अभुला कथा कहू कहू कहिले अनेक अनुभूति आपण रखिछन्ति साउंड की रखिछन्ति श्रीक्षेत्र माटीरु गोटे अभुला कथा आमर भक्त बंधु मानू कहतु आ भक्त बंधु मान जानवे जे जगन्नाथ प्रकृत में अलौकिक शक्ति मिराकिल रही जितेबले शास्त्री द्वितीय वर्ष मु परीक्षा देउथाय से वर्ष परीक्षा को ठीक ता पूर्वर कॉलेज छुट्टी जाए था दी चार दिन आगुरु मत आसा को पड़े किंतु वर्षा एवं प्रबल पवन सत्वे मु पुरी को आसवापी बस रोगाजोग नाला से समय मु भाभी पारु थाए जे परीक्षा देबी कि नाही बस रोगाजोग ना मुमी आसबि कौन करी हठात गोटे बस आसला से सीट ना मत बाध्य ठिया होसवाक पड़ा बस रे ठिया आसला बरमुंडा बस स्टाण्रु पुरी आउ बस ना मुँ करी से किसी भाभी पार ना राति पाइले द्वितीय पत्र परीक्षा देवी तो एमती भाबू बाबू अचानक महाप्रभु को शरण कली हे प्रभु तुमरी शरण से जाऊँगी तुमर क्षेत्र में मत नहीं अधिवासी करते दिन तेरे जदि परीक्षा नदे पारि ए रहीबार मूल्य किसी रही महाप्रभु तो दरिद्रर बंधु दिनर बंधु पतित तारण सी पतित पावन निश्चय मो डाक शुणिले एवं सेठू जड़े पूरीर अधिवासी जड़े कार जोगे आसुले सी मत सुजोग दे आसवापी जे आप पूरी जी मुँ कह हाँ ना आपण को पूरी रे देखिला भली लागु जे एवं मो गाड़ी रे बसंदु मो गाड़ी रे से तांको गाड़ी रे बसे आनी मते मेडिकल छक रे छाड़ी दी पळिले से केउ आड़े गले केउठो आसिले तांको सब एते मु खुशी रे गदगदित होता महाप्रभु पाखरे निजो को एते समर्पित कर दी थाए मु से भाई जण सहित किछि पदे भी कथा हेई पारिनी एवं ओल्है सारला परे मो मुंड को बुद्धि पसिला जे अरे मु काहेकि से भाई को सहित दीपद कथा हेई पारलिनी जोटा मते भारी व्यथित कला एवं मने मने महाप्रभु को एक भक्तिपूत प्रणाम बाढ़ी जे प्रभु निजे आपे ही मते कार जोगे काले विलंब होतीपाई से कार जोगे मत आणिक पूरी में पहुँचेदे और परीक्षा द्वारा सफल होती से महाप्रभु प्रति विश्वास आसला ना आगुरी आसी ना मु पिलाबेलु जगन्नाथ प्रति मोर एक अगाढ़ व्यक्ति थाए मु छोट बेलु मो बापा मा जेजे बापा भी कहती जे पिला बेलु ही ये जगन्नाथ आराधन सब बेले सी निमग्न रहिबो एवं रही आसी से करुणा से आशीर्वाद महाप्रभु आशीर्वाद मोपाई आज एत बड़ गोटे सुजोग सृष्टि एवं प्राय मत जितेबले तीन वर्ष होता से मो जेजेबापा पूरी आसते एठू गोटे जगन्नाथ मूर्ति नहीं घरे रखाई था जो मूर्ति आज पर्यंत मुझ सुरक्षित भाव रखी से ही मो प्रभु आशीर्वाद मोपाई जोग में मुझे समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति भाव निजी प्रतिष्ठित कराई पार्टी।
ଘରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିବା, ଏ ଆକର୍ଷଣ କାହିଁକି ରହିବ? ନାଇଁ, ଇଏ ତ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର, ଘରେ ତ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ, ମହାପ୍ରଭୁ ତ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ଯେଉଁଠାରେ ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ବି ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ଘରେ ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ, ଆରାଧନା କରୁଛେ, ତଥାପି ଏ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର, ଯେ କି କହିପାରିବ ସେ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା, ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ନପାନ୍ତି ଯାହାର ଗୁଣ ସୀମା, ଏ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରର, ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ରର, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ମାଟି, ଏଠାରେ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଏହା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ, ଏକ ଆନନ୍ଦ, ଏକ ପୁଲକ ଆଣିଦେଉଛି ମନରେ। ଯାହା ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ପୁଲକିତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଭୂତି କହିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣି ପରୀକ୍ଷାରେ ସମର୍ଥ କରାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଭୁଲା ଅନୁଭୂତିକୁ ଆଜି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସୀତାରାମ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏବଂ ନମିତା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୀଳାର ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇପାରୁଛେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୀଳାକୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରୁଛେ। ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, ଆଜି ଏ ଦୁଇ ପୁରୀର ଦୁଇ ଜଣ ସୁପୁତ୍ର ଏବଂ ସୁକନ୍ୟା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ତା'ର ଶ୍ରୁତିକୁ ବଖାଣୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା ଖେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତରଫରୁ ଉଭୟ ସେହି ମହାଶୟ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।